हूँ एजीपीसी खत्म करते लगे है। इन्होंने देख लिया सेंटर की सरकार ने कि सिख पंथ की ताकत, सिख कौम का पार्लीमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिख कौम की ताकत कि आप एक इंस्टीट्यूशन थले कट्ठे हैं, अकाल तख्त साहब की अगवाई थले कट्ठे हैं। तो उन्होंने सोचला किया कि असि हूं आप कमजोर करिए। दिल्ली विच जिहड़ी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है अज सिख पंथ के कंट्रोल च नहीं है, अज आरएसएस ते बीजेपी की सरकार के थले कंट्रोल च है। हरियाणा विच कमेटी बनाई, हुणी प्रधान साहब ने जिक्र किया वो सिख पंथ रही चुंदे सी नमोंदे, उन्होंने वोटां का सिस्टम खत्म कर दिता, कमेटी अलग बना दी। चीफ मिनिस्टर हरियाणे ने बनाई, अपने घरे बह के बनाई, जिवें प्रधान साहब ने जिक्र किया सारे आरएसएस के मैंबर बना के पाके अपने बनाए। अगला हमला कित्थे है? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, ते कौन कौन मगर लगे? आ दादूवाल वर्गे, आ जिहड़े दूजे मंड वर्गे, आ जिहड़ियां जाली जी जथेबंदियां, वह क्यों नहीं बोलदियां हुण? जदों हुण कितें बेअदबी कितें हुंदी है उदों सारे क्यों चुप हुंदे है? क्योंकि इन्हां दा निशाना इक्को ही है कि श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल ते बादल परिवार। हर चीज ची बादल परिवार, हर चीज ची बादल परिवार। क्यों? उन्हें पता है कि जड़ी एक लीडरशिप हुंदी है बड़ी औखी डिवेलप हुंदी है। जे किसी नूं मारना होए उन्हां दी लीडरशिप खत्म कर दिओ, अपने आप ही कौम खत्म हो जाती है। अपनी लीडरशिप नूं खत्म करने लगे है, आ ताकत है। हुण कहिंदे आ जिहड़ा खड़ा हुंदा है पल्ले कुछ ना होए, नहीं जी असीं अकाली दल नूं असीं छोटा भरा बनावांगे। अकाली दल ने रहना है, केसरी झंडा झूलदा ही रहना, तकड़ी का झंडा झूलदा ही रहना। तुसी बादल पिंड आ जाओ, हर रोज गुरु का उत्थे सेवा करी दी है, पाठ करी दा, रोज साढ़े पाठ हुंदे है। थोड़े घर चले जाओ, आप पाठ करते हैं, आप जिन्ना सेवा संभाल गुरु घर की श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ते वर्कर ते एजीपीसी करती है, तो हुण एजीपीसी खत्म करते लगे है। इन्होंने देख लिया सेंटर की सरकार ने कि सिख पंथ की ताकत, सिख कौम का पार्लीमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिख कौम की ताकत कि आप एक इंस्टीट्यूशन थले कट्ठे हैं, अकाल तख्त साहब की अगवाई थले कट्ठे हैं। तो उन्होंने सोचला किया कि असी हुण आप कमजोर करिए।